हाय फ्रेंड, आ जाइए हमारे पास केसरीज वैगनार। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है ओवर हीटिंग की, और दिखाएंगे कैसे ये पानी फेंक रहे हैं ये रिजर्व टैंक से। करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी गाड़ी अभी प्रॉपरली स्टार्ट है, और चेक करवाएंगे यहाँ से कब आता है रिजर्व टैंक से पानी, वो पूरा चेक कराएंगे और दिखाएंगे फॉल्ट क्या होता है जिसकी वजह से हमारे गाड़ी में रिजर्व टैंक से पानी फेंकना शुरू हो जाता है, वो पूरा चेक करेंगे इस वीडियो में। और होने देते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं गाड़ी को। और करेंगे हम थोड़ा सा अच्छे से गाड़ी को, गाड़ी हम गर्म करेंगे और चेक करवाएंगे यहाँ से कैसे पानी आता हमारे को। गर्म होने के बाद दिखाएंगे, जब जैसे ही गर्म गाड़ी हो जाती और चेक कराएंगे यहाँ से पानी आना शुरू आ चुका है। आप देख सकते हैं यही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से फिर लगता है कि हमारी गाड़ी में हेड गैस्केट उड़ चुका है। और सिखाएंगे क्या फॉल्ट है, छोटा सा फॉल्ट है, दिखाएंगे इस वीडियो में कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप कूलेंट भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, मगर यहाँ से आ रहे हैं आप देख सकते हैं। और दिखाएंगे भी फॉल्ट क्या है, कैसे ही हमारी गाड़ी से कूलेंट ऐसे फिर लगता है हमारा इंजन का काम कुछ ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ चुकी है, हमारा हेड गैस्केट उड़ चुका है। ये हेड गैस्केट की प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम हो, सिखाएंगे इस वीडियो में कैसे आती है। पहले हम गाड़ी को पूरा गर्म करते हैं। करते हैं हम गाड़ी को बंद, दिखाते हैं क्या फॉल्ट आ चुका है हमारी गाड़ी में। सबसे पहले गाड़ी को हम बंद करके ले लेते हैं। अभी हमारी गाड़ी बंद हो चुकी है, अभी हमारी गाड़ी गर्म भी हो चुकी है, इसको पहले ठंड करते हैं। 5-10 मिनट के बाद इसको खोल देंगे, दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है। इसका ढक्कन खोलेंगे, क्योंकि कस्टमर का ये भी कहना है कि मैंने इसका इससे पहले 1 साल लगभग इसको ढक्कन चेंज किया था, ये होंडा का ढक्कन लगा है इसमें। और अभी भी प्रेशर गाड़ी में है, और खोलते हैं। ये फॉल्ट निकला इसमें फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये पूरा जो ठंड है पूरा गल चुका है, इसी की वजह से हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है। यही फॉल्ट है, क्योंकि इसको कस्टमर को कहा गया इसके हेड गैस्केट डलेगा, हेड गैस्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रेंड इसमें ये प्रॉब्लम है। और इस ढक्कन को चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद दिखाएंगे यहाँ से पहले जो कूलेंट आ रहा था वो आएगा 90 डिग्री, जब फैन हमारा वर्क कराए उस टाइम आता है, इस केस में नहीं आएगा। जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं उस टाइम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो रबर रिंग है ये कट चुकी है, उसी की वजह से हमारी रिजर्व टैंक में ज़्यादा ही कूलेंट भर रहा था। और करेंगे इसको चेंज, लाएंगे दूसरी हुंडई की है ये, और लगाएंगे मारुति की दूसरी। अभी हमने दूसरा ढक्कन लिया है, अभी आप देख सकते हो फ्रेंड इसमें कितना अंतर है। ये प्रॉपरली रहना चाहिए, वॉल भी प्रॉपरली रहना चाहिए, और जो अंदर वाली रिंग है ये भी प्रॉपरली रहेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन फुल चुकी है पूरी, इसकी वजह से हमारी गाड़ी में ओवरहीटिंग हमारी गाड़ी लग रही थी, ये पूरा गर्म हो चुकी है, ये गर्म नहीं हुई। यहाँ से अभी इसको वापस बंद करेंगे इस वाले ढक्कन को, और करेंगे गाड़ी को स्टार्ट अंदर से, और करेंगे हम गाड़ी को, हमने स्टार्ट करके ले लिया। अभी गाड़ी को थोड़ा सा एक्सलेशन करेंगे हम, एक्सलेशन यहाँ से हम पहले इसको कूलेंट को साफ करेंगे और दिखाएंगे अभी। अभी देख सकते हैं फ्रेंड हमने कूलेंट को साफ करके ले लिया, ना के बराबर आ रहा, फिर भी इसको थोड़ा सा एक्सलेशन करेंगे हम। आप देख सकते हैं हमने
आप देख सकते फ्रेंड हमारी गाड़ी भी पूरी गर्म हो चुकी है और यहाँ से भी नहीं आ रहा है कि कूलर पहले कितना आ रहा था आपने देखा। ये फॉल्ट था जो फॉल्ट हमने दिखाया। हमारे चैनल पर अगर नहीं हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना क्योंकि हमारा काम हो चुका बिल्कुल ओके। ये पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कूलेंट फेंक रही थी वो बिल्कुल प्रॉपरली हो चुका। यही फॉल्ट था, ये ढक्कन खराब था इसमें।